नहीं, हर चीज़ को चुनाव से जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए। हमारा कर्तव्य भी है कि जब अगर हम समन्वय समिति बनी है तो उसमें हम अपने जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे, और उस जिम्मेदारी का निर्वाह करने के संदर्भ में आज बैठक बुलाई गई। नहीं, बिल्कुल सभी जो राज्य के ज्वलंत मुद्दे हैं उन सभी पर चर्चा होगी, चाहे वो 27% आरक्षण देने की बात हो, चाहे कई जिलों में जो आरक्षण नहीं मिल पा रहे हैं ओबीसी को उसकी बात हो, नियोजन की बात हो, नियोजन में किस तरह से जो सारी बातें आ रही है उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, छात्र सड़क पर हैं, तो उनके संदर्भ में सभी विषयों पर चर्चा होगी। ये पहली आधिकारिक बैठक है और बंद के बीच में यह बैठक है। नहीं देखिए, ये बैठक पहले से आहूत थी, बंद बाद में कॉल हुआ है। हम समझते हैं सभी मुद्दों पर चर्चा होगी, और चाहे वो रोजगार का विषय हो, आपने देखा है किस तरह से रोजगार देने के जो प्रक्रिया है उसको बढ़ाई जा रही है, सभी लोगों का उसमें सामंजन करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में ये बैठक निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है और सभी विषयों पर इसमें चर्चा होगी, चाहे वो पलायन की बात हो, जो यहाँ के उद्योग हैं उसमें जो 75% आरक्षण की बात कही गई है वो कहाँ तक आगे पालन हो रहा है, उन सारे विषयों पर जो जिलों का दौरा किया है, उस जिलों के दौरे के दौरान कई लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखने का काम किया है, उन सभी विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तालाब जो बन रहे हैं, तालाब में पानी नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके कई कारण हैं, उन सभी विषयों पर एक जो अभी तक जो पढ़ा समझा है उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। ये बिजली की नहीं, देखिए निश्चित रूप से समस्याएं बहुत सारी हैं, और इन सारी समस्याओं के जड़ में अगर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो पिछली सरकारें रही हैं वो कहीं ना कहीं से जो काम बहुत तेज़ी के साथ करना चाहिए था वो नहीं हुआ, चाहे वो डबल इंजन की सरकार ही क्यों नहीं हो, जब केंद्र का इतना भरोसा था, केंद्र का इतना समर्थन था, उसके बावजूद अगर बिजली की दिक्कत आ रही है तो निश्चित रूप से दुखद है, इसका मतलब 5 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं और निश्चित रूप से उस पर काम भी होगा। राजनीतिक विषय पर भी बातचीत होगी। बिल्कुल, हम लोगों ने अपने अपने मैनिफेस्टो में जो वादा किया है उन सब के संदर्भ में तो चर्चा होगी ही, क्योंकि जो हमने वादे किए हैं उस पर हम कहाँ तक खड़े उतर पाए हैं और क्या कमियाँ रह गई है, उन सभी चीज़ों पर चर्चा होगी। सीट वगैरह को लेकर कोई बातचीत नहीं? नहीं देखिए, ये हर चीज़ को लोकसभा से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। निश्चित रूप से जब हम कोई राजनीतिक दल होने के नाते काम करते हैं तो उसके राजनीतिक फायदे होते हैं, लेकिन उन्हीं कामों को अगर हम संजीदगी से करेंगे तो और ज़्यादा लाभ मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरह कि अभी जो सांसद अपने अपने क्षेत्र में जाए, तो सांसद 4 साल से गए नहीं हैं तो उनको कहा जा रहा है, हम लोग तो बराबर जाते रहे हैं, बराबर अपना काम करते रहे, तो हमें नहीं लगता कहीं कोई वो की बात है, कोई चुनाव की बात है। 3.25 करोड़ जनता के लिए जो सरकार गंभीरतापूर्वक जिस विषयों को लेकर के आगे चली है, और कई विषय हैं कि जो अभी पीछे छूट गया है, उन सारे विषयों को आज हम लोग सरकार को सुझाव देंगे, और हम लोग चाहेंगे कि जनहित में, राजहित में उन सारे विषयों को सरकार संज्ञान में लेते हुए अति शीघ्र पूरा करें। आपको पता है कि पूरे छात्र जो हैं सड़कों पर हैं, क्योंकि सरकार से नाराजगी है। आज उस विषय में भी हम लोग बात करेंगे, और हम आप सबों को विश्वास दिलाते हैं, राज्य के वासियों को विश्वास दिलाते हैं, युवाओं को विश्वास दिलाते हैं कि अति शीघ्र उस संबंध में हम लोग समाधान का रास्ता निकालेंगे, और हम समझते हैं कि जो सड़क पर हैं उनको भी हम लोग उन भावनाओं को भी आदर करें। समन्वय ठीक है, उसकी कोई जरूरत? बिल्कुल, कहीं पर कोई संशय नहीं, और कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता। सारे हम लोग जो तीनों दल हैं गठबंधन के, वो सारे सामंजस्य बना के चल रहे हैं, तभी तो राज। बोर्ड निगम को लेकर थोड़ी बातें आ रही नहीं? बोर्ड निगम देखिए, बोर्ड निगम का शुरुआत हो चुका है, और जो बचे हैं उसको भी अतिशीघ्र बटेगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।